Hi, I am Jitesh Roshan, director of the Gate Academy. And we at the Gate Academy, we are very, very proud to announce that even for the afternoon paper, mechanical afternoon paper today, we are the first institute to give the complete analysis. And any student can go to our website, www.thegateacademy.com, and download these papers and share with their friends. So to get deeper into this analysis, I have called our esteemed faculties, Mr. Pranshu and Mr. Chitiz, who are from Mechanical Department. I welcome you both. So I would like to understand more from Mr. Pranshu that what is your opinion about mechanical afternoon paper when you compare it with the morning paper? Sir, definitely this session was more difficult as compared to the morning session and even the last year papers. So there were subjects from where unexpected topics came, and there were subjects from which common topics were asked, but questions were a little difficult. So it was a difficult session as compared. So one of the reasons what Pranshu is saying is ki kyunki topics अनकॉमन थे जो यूजुअली जहाँ से नहीं आते इन सम सब्जेक्ट्स ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए जो यूजुअली नहीं पूछे जाते तो दैट माइट हैव मेड द पेपर टफर. Say for example, in material science, generally questions are not asked, but three questions were asked, 3 marks question were asked. There was a question from gyroscope also. Similarly, when we talk of heat transfer, question came from natural convection. So there were topics like this, which are uncommon. Yes, sir, uncommon. So Chitiz, मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसा प्रांशु सर बता रहे हैं कि थोड़ा सा टफ था पेपर, तो आपका क्या ओपिनियन है कि कट ऑफ जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है, इज इट गोइंग टू बी लोअर दिस टाइम? क्या इस बार लोअर हो जाएगा इसके कारण, और आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? सर, क्वालिफाइंग कट ऑफ डेफिनेटली कम होंगे, मगर ज़्यादा कम नहीं होंगे. मेरे हिसाब से हद 1 मार्क का फर्क आना चाहिए, क्योंकि भले ही क्वेश्चन आए थे अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से, मगर क्वेश्चन थोड़े ईजी थे. अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से ईजी क्वेश्चन आए थे, सो क्वालिफाइंग कट ऑफ कम होंगे, मगर 1 मार्क से ज़्यादा नहीं होंगे. और जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, तो उनके कट ऑफ तो पक्का कम होंगे. सिलेक्शन इन द सेंस IIT सिलेक्शन, PSU सिलेक्शन, तो उनके कट ऑफ तो कम होंगे. सो थोड़ा यूनिक पेपर रहा है, राइट प्रांशु? थोड़ा सा यूनिक पेपर रहा है इस बार का. सो आपको क्या लगता है प्रांशु, किन स्टूडेंट्स को ज़्यादा फायदा होगा? उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने सेलेक्टिव स्टडी किया है, या उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने बहुत अर्ली स्टार्ट किया और उन्होंने कंप्लीट सिलेबस कवर किया? आपका क्या ओपिनियन है? सर, इस पर्टिकुलर सेशन की बात करें ना, सो इट्स लाइक कि एवरी सब्जेक्ट हैज सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. तो उस हिसाब से जैसे FM है, HT है, तो सेशन ये कहता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को तो अच्छे से पढ़ो, और जो अनकॉमन टॉपिक्स हैं या नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको छोड़ो मत, एक बार उनको गो थ्रू जरूर कर लो. जैसे आपने देखा होगा कि रिलीज नंबर पे एक एग्जांपल था, क्वेश्चन था, सो जनरली रिलीज नंबर हम छोड़ देते हैं, मगर जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था. तो ये ध्यान रखना है कि सिलेबस पूरा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है, मगर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर अच्छे से पढ़ना है, ये चीज़ याद रखनी है. पर सिलेबस छोड़ना नहीं है, एक बार पढ़ना जरूर है, ये चीज़ है सर. ग्रेट. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है इस जो आफ्टरनून का पेपर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और हम लोग बोलेंगे थोड़ा यूनिक था. सो अगर इसको और फर्दर एनालाइज करें हम लोग क्षितिज, तो अगर सब्जेक्ट लेवल पर एनालाइज करें, तो आपको क्या लगता है क्या यूनिकनेस रहा इस पेपर में, क्यों इसको बोलना है कि हम लोग की ये यूनिक है? सर, वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैन्युफैक्चरिंग हमेशा हाई वेटेज रहा है, इस साल भी वेटेज हाई था, मगर फर्क ये रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में इस बार 3 क्वेश्चन उन्होंने मटेरियल साइंस से पूछ दिए. मटेरियल साइंस को जनरली हम कंसीडर करते हैं कि ज़्यादा वेटेज नहीं रहेगा उसमें, पर मटेरियल साइंस में वेटेज बढ़ा दी गई. और मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने कोशिश किया है कि वो हर चैप्टर टच करें, और हर चैप्टर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बेसिकली इजी क्वेश्चन पूछे गए, मगर हर टॉपिक उन्होंने टच करने की कोशिश की है. ग्रेट. सो स्प्रेड विद इन मैन्युफैक्चरिंग वॉज अलॉट मोर देन अर्लियर. ओके प्रांशु, आपका कोई विचार है इस बारे में? डू यू हैव एनी ओपिनियन? सर, मैं मैथ्स और HT की जरूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि जनरली मैकेनिकल में क्या होता है कि मैथ्स के क्वेश्चन ना इजी होते हैं अगर आप बाकी ब्रांचेस से कंपेयर करें, बट दिस टाइम इन मैथ्स ऑल्सो देर आर 3 क्वेश्चन जो कि ना काफ़ी डिफिकल्ट हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको सॉल्व नहीं कर पाए. और जैसे HT है, सो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने क्या मन में बिठा लिया कि यार HT से तो कम मार्क्स आते हैं, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, बट दिस टाइम दे हैव आस्क्ड 7 मार्क्स सर.
और उन 7 marks में भी मतलब कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे थे। शेप फैक्टर पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, जैसे मैंने पहले भी बताया नेचुरल कन्वेक्शन पे एक सिंपल मगर डिफरेंट क्वेश्चन आया है। और एक चीज है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन कम आए इस बार, मतलब इट वॉज ओनली 3 marks क्वेश्चन आई थिंक वॉट आई थिंक। तो मुझे ये बड़े अच्छे 2 unique points लगे कि मैं मतलब HT को उन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो जैसा हम अपनी क्लासेस में भी कहते हैं जनरली द गेट एकेडमी में कि आप ना ये मत सोचो कि इस बार एक सब्जेक्ट कम आ गया तो वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप हर सब्जेक्ट को उतनी ही इंपॉर्टेंस दो ताकि अगर एक सब्जेक्ट 4 number का पूछा जाता तो आप 4 number भी ग्रास कर सको। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी जो मतलब स्टूडेंट ने मन में बिठाया था तो गेट ने उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया। तो बेसिकली गेट काउंसिल ने काफ़ी सरप्राइजेस पैक किए हैं आफ्टरनून पेपर में, एंड ऑफ कोर्स जो सेलेक्टिव स्टडी है वो एक हद तक सही है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे प्रांशु सर ने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी कंप्लीटली इग्नोर सर्टेन टॉपिक्स बिकॉज उससे क्वेश्चंस नहीं आए, क्योंकि इस बार नहीं आए तो अगली बार आ सकते हैं। सो इन ड्यूरिंग प्रिपरेशन वी हैव टू कीप वेरी वेरी वेल दिस पर्टिकुलर फैक्टर वेरी वेल इन आवर माइंड। तो प्रांशु सर, कुछ फाइनल वर्ड्स आप देना चाहेंगे फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट गेट 2020? सर मतलब आई विल कंक्लूड कि नाउ द सिनेरियो इज नॉट लाइक दिस कि आप लेट स्टार्ट करें और सिलेक्टिव स्टडी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। अब तो है कि गेट 20 की अभी से तैयारी स्टार्ट करो और सारा सिलेबस कवर करो, एक एक चीज़ को जो है ना अच्छे से पढ़ो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में करेंगे और आप PSU क्रैक कर लेंगे, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए और अच्छा रिजल्ट लाइए, मैं यही कहूँगा सर। आपको कुछ कहना है सिद्धि सर? नहीं सर, यही है, स्टार्ट अर्ली फिनिश अर्ली सो दैट यू हैव टाइम टू रिवाइज। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। Very, very two important aspects which both of our faculties have covered. That one, you start early so that your coverage of syllabus is complete, because there might be surprises in paper as it has happened in today afternoon session. And as Chiti sir also mentioned that if you start early, you will be able to cover and finish your syllabus early so that you will get time to revise. And without revision, you know, without revision of paper, without solving test papers, mock tests, it will be difficult for you to attempt the final exam with complete clarity. Yes, right. So with these words, we will close this session, and we wish all the best to GATE 2019 afternoon session GATE aspirants who have taken this paper, and we wish that they come out with flying colors. Thank you so much.